हेलो गाइस, जय माता दी। नेहा भाईसा के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और सबका फेवरेट भी होता है, मेरा भी फेवरेट है। चलिए, इसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है मैं वो बताती हूँ। मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है, ये काजू का पेस्ट है, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है जो मैंने लाल मिर्च और जो टमाटर लिया था उसका पेस्ट है। तो हमें इस तरीके से इनको पीस के रेडी कर लेना है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए मुझे दो रिफाइंड ऑयल, दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल चाहिए। सबसे पहले मैंने लिया है कढ़ाई में दो चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो प्याज था वो हल्का सा रेड हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काजू का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। देखिए, हमारा जो प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट था उसमें से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऊपर आने लगा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने टमाटर का प्योरे रेडी करा था, वो मैंने इसमें ऐड करा है। मैंने जो प्याज और टमाटर लिया था वो मैंने डायरेक्ट चॉप करके और डायरेक्ट उसको मिक्सी में पेस्ट बना लिया था। अगर आपको उसमें और भी अच्छा टेस्ट लाना है तो आप इसको पहले टमाटर और प्याज को पहले एक बार तेल में फ्राई कर ले, उसके बाद आप पेस्ट रेडी करें। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें जो मैंने लाल मिर्च ली थी वो ऐड कर दी है। सबसे पहले मसाले में हमको इसमें लाल मिर्च ऐड करनी है ताकि इसका कलर आ जाए। देखिए, इसमें तेल ऊपर आने लगा है। अब मैं इसमें बाकी जो मसाले थे वो ऐड करने वाली हूँ। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, तीनों चीज़ों को ऐड करके मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल आ चुका है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही को कंटिन्यू हिलाना है, फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दें क्योंकि इसमें दही खराब हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, हिलाना है थोड़ी देर तक। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने दूध की मलाई ली थी। दूध की मलाई ऐड करने के बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर मसाला। देखिए, आप तेल ऊपर आ चुका है। तेल ऊपर आने के बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर। पनीर को ऐड करने के बाद इसको ऐसे ही पिला देना है ताकि पनीर मसाले को सोक कर ले। बिल्कुल लाइट हाथों से इसको हिलाना है, हमारा पनीर बिखरे नहीं, इसलिए हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाएंगे। अब इसको 2 मिनट तक इसको चलने दें। जो मैंने इसमें ऑयल डाला था वो सरफेस पे आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने दूध लिया था वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। इसको कंटिन्यू चलाना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो हमारा दूध फट जाएगा।
आप देख सकते हैं मेरी शाही पनीर बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगने वाली है और लुकिंग में भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी दिख रही है। सो प्लीज़ गाइस, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।